जिला भाजपा महासमुंद द्वारा जिला मोर्चा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों तथा जिला संयोजकों एवं मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारियों का सराईपाली में एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। चिंतन शिविर बैठक में सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी जिला महासमुंद के संगठन प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही एवं जिला भाजपा महासमुंद की जिला अध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी के द्वारा महापुरुषों के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इसके बाद जिला भाजपा महासमुंद जिला अध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी द्वारा अध्यक्षीय भाषण दिया गया। इसके बाद जिला भाजपा महासमुंद जिला संगठन प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही द्वारा दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया गया। भोजन उपरांत सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों द्वारा मोर्चा व प्रकोष्ठ के गठन पश्चात किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही जिला अध्यक्षों, जिला संयोजकों एवं जिला प्रभारियों से आगामी पार्टी के 3 माह का अपने अपने मोर्चा एवं प्रकोष्ठ का आगामी कार्यक्रम तथा बैठक किस प्रकार होगी उसकी कार्य योजना बनाकर पेश करने को कहा गया। इस बैठक में मार्गदर्शन देने हेतु प्रमुख रूप से जिला भाजपा महासमुंद संगठन प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला भाजपा महासमुंद जिला अध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र विपिन उपवेजा, संजय शर्मा, जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला अध्यक्ष कामता पटेल, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दुबेलाल साहू, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती कौशल्या बंसल समेत कई जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। जिला भाजपा महासमुंद के मोर्चा प्रकोष्ठ एवं प्रभारियों का चिंतन शिविर कार्यक्रम का संचालन संजय शर्मा, जिला महामंत्री, जिला भाजपा महासमुंद द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी एवं जिला संगठन प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही के द्वारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष कामता पटेल की सराहना की गई एवं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया।